पढ़ो, बोल पे शान पढ़ा कर रहे हो, जोर से पढ़ो। इब्न साहिब सीधा का मुंतक हश्र नबूवत है। कुरान कहता है सर, इब्न सुफी से कुरान कहता है सिदाकत हश्र नबूवत है, और नबूवत के बाद जो दर्जा है वो सिदाकत का है। अभी मेरा बयान शुरू हो रहा है, जरा सुनना। किबला वाला नबूवत के बाद दर्जा सिदाकत का है। किबला मिन नबीजीना फसिद्दीकीना, नबूवत के बाद अगर दर्जा है तो वो सिदाकत का है। जो लोग कहते हैं अली का पहला नंबर है, मैं कहता हूँ बारहा का है, वो सही कहते हैं, लेकिन अबू अली का पहला नंबर है ये बिल्कुल सही है। मगर बच्चों में पहला नंबर अली का है, बड़ों में पहला नंबर सिद्दीक का। पढ़ो ना ऊंची आवाज से यार, बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़े बुजुर्गों के दरबार से आप कुछ लेके जाए हजूर वाला। अब आपसे आइए बात को सुनना। नबूवत ये जो सिदाकत है ना, ये जो सिदाकत है ना, ये वस्व नबूवत है। कुरान कहता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी भी है सिद्दीक भी है। वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया। इब्राहीम इदरीस नबी, नबी भी है सिद्दीक भी है। लोगों जरा सुनना, अल्लाह ने फरमाया मेरा खलील सिद्दीक है, अल्लाह ने फरमाया मेरा इदरीस सिद्दीक है। आमना के लाल बोले मौला तेरे तो कई सिद्दीक होंगे, मैं एक सिद्दीक बना सकता। मैं एक सिद्दीक बनाता हूँ। फिर आओ जरा सुनो, साबान रसूल मिनन एक सादिक होता है, एक सिद्दीक होता है। सादिक वो होता है जिस तरह बात हो वो कह दे, उसे सादिक कहते हैं, उसे सादिक कहते हैं। मगर सिद्दीक वो होता है जिस तरह वो कहता जाए बात उसी तरह बनती जाए, जो वो कह दे अल्लाह वो कर दे, उसे सिद्दीक कहते हैं। और जोर से बोलो, और ऊंची आवाज से बोलो। बोलने का सैयद है, मेरे आगे पाक है, मिर्जा कादियानी है, हजर का ताजदार है, सामने आता है। मेरे अली पाक से फरमा कहता है मेरी अली, फरमा क्या बात है, कहा सूरत फातिहा की तफसीर तू भी अरबी में लिख दे, मैं अरबी में लिख देता हूँ, जिसकी तफसीर ज्यादा अच्छी होगी वो नबी होगा, मैं नबूवत की दलील अच्छी तफसीर देता हूँ। मेरी अली ने फरमाया निगम में कहीं के बेहया हया कर, क्या तफसीरें भी नबूवत की दलील हुआ करते हैं। काफर मजबूत हो गया, बेईमान भाग गया, कादियान का दज्जाल भाग गया। किसी ने पूछा मेरी अली इतने बड़ा दावा क्यों कर दिया था, और जब मैं चला था मेरे नाना मोहम्मद अरबी ने कहा था मेरी अली जा, आज जो तू कह देगा मैं मोहम्मद वो कर दूंगा। अरे यारो याद रखो, मेरी अली जो कह दे मुस्तफा वो कर देता है, और याद रखना सिद्दीक जो कह दे अल्लाह वो कर दे। और जज्बे इशारे से बोलो, सिद्दीक जो कह देता है अल्लाह वो कर देता है। साफ अब देखो कुरान कहता है वर्कुल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक। इब्राहीम हजरत इदरीस नबी भी है सिद्दीक भी है। जाते हैं जन्नत में सैर करने के लिए, टहलने के लिए, हराम नाज करने के लिए, अल्लाह फरमाते फिर वक्त खत्म हो गया है वापस जाओ ना। ये कहते मौला खालदी रफी आबदा, तेरा हुक्म है जो जन्नत में चला जाए वो बाहर नहीं जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो मौला मैं यही रहना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमा फरिश्तों रहने दो। मौला वजह क्या है, फिर मैं सिद्दीक जो हुआ, सिद्दीक वो होता है जो कह देता है मैं वो कर देता हूँ। बोलो जरा जोर से, दरबार है अल्लाह का नबी है, खलील पाक है, और खलील पाक वो है इब्राहीम जहाँ इब्राहीम नबी कदम लगाता है, अल्लाह उस जगह को मुसल्ला बनाता है। और
जिस जगह पे मेरा मोहम्मद कदम लगाता है अल्लाह उस जगह को अर्श मुहल्ला बनाता है। और वो सबको ऊंची आवाज से, अरे फूल हो खुशबू ना हो भला ऐसा हो सकता है? और जोर से बोलो, अल्लाह अकबर, फूल हो खुशबू ना हो भला ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है। ये सारे हमारे पीरान एजाम और पीर और मुर्शिद के सारे खुदा इंग्लैंड में रहते हैं, इनसे पूछ लो। आजकल इस दौर में ऐसी फुलवारियां आ चुकी है, ऐसी फुलवारियां सदाबहार आ चुकी है, फूल भी है शकल भी है, शकल भी है फूल भी है, हुस्न भी है जमाल भी है। तोड़ो नाक से लगाओ तो खुशबू नहीं है, अब क्या कहोगे फूल नहीं है? भाई फूल तो है, लेकिन मुर्शिद के दरबार से पूछो, फूल तो है मगर ये गुलाब की नस्ल से नहीं है, ये गुलाब की नस्ल से नहीं है। नस्ल बिगड़ गई, खुशबू जाती रही, पता क्या चला पत्ते भी है, चुप्पे भी है, चुप्पे भी है, मदरसे भी है, मस्जिदें भी है, सब कुछ है मगर गली का दामन नहीं है। तो वो मुस्तफा के गुस्ताख बने फिरते हैं, जो दामन से लिपट गए वो आमिन के लाल के गुलाम बने फिरते हैं। लेकिन सदैव से आखिर तक अगर सारे सुभान अल्लाह कहते ना, माफिल में मजदी कुछ और होता। और मुर्शिद हो हिदायत ना हो ये बात ही गलत है। अब तो बोलो सुभान अल्लाह कहते हुए मौत आती है, गौर से बोलो मुर्शिद हो, मुर्शिद हो और हिदायत ना हो ये बात ही, ये बात ही। अरे आस्थाने आलिया शादपुर शरीफ हो और विलायत ना हो ये बात ही गलत है। शाहपुर शरीफ हो विलायत ना हो ये बात गलत, आस्थाने आलिया मौली शरीफ हो और करामत ना हो ये बात भी गलत है। हजरत मुर्शिद आजम, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे अपने शहर की बात है, मेरी अपनी मस्जिद की बात है। एक नौजवान है, कलीन शेव है, हालत गैर है, नंबर एक का डांसर है, जो सुबह अल्लाह की इज्जत की कसम उठा नंबर एक का डांसर है, टीवी तो उसका इंटरव्यू हो चुका है, वो पास हो चुका है, गाना गाने के लिए उसको बुलाने के लिए कॉल भी आ चुकी है, जुमा की नमाज पढ़ता है। मैंने वलियों की शान बयान की, उसने कहा कारी साहब कोई ऐसा वली अब है भी सही, उसका बाप भी दूसरे मजहब का, नसल नसल का, पढ़ा हुआ भी दूसरे मदरसे का, हाफिज़े कुरान, कारी कुरान। नौजवान ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ऐसे बाबा है